राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। तो आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ जन्माष्टमी की डेकोरेशन जो मैं अपने घर में कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक ये जो मेरे पास ये फोल्डिंग पलंग रखा हुआ था उसको मैंने लगा दिया है, और उसके आगे मेरे पास ये इस तरह की चुनरी थी बड़ी सी, तो वो मैंने उड़ा दिया है उसी पलंग पर। मेरे पास जो जैसी जगह थी मैंने उसी तरह से उसको यूटिलाइज़ किया है। तो अगर आपके पास कोई भी चादर हो, दुपट्टा हो, वो आप कुछ भी उड़ा सकती हैं। मेरे पास इस तरह की ये माता की चुनरी थी तो मैंने वही उड़ा दिया। और मेरे पास इस टाइप की ये देखिए तीन छोटे छोटे साइज के ग्रास के ये इस तरह से टुकड़े थे, तो वो मैंने वो बिछा दिए हैं। मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, तो आप अगर आपके पास जिस तरह की भी ग्रास हो आप वो बिछा दीजिए इस तरह से, तो एक ओरिजिनल लुक आता है, सुंदर लगता है। और उसके अगल बगल में मैंने इस तरह के दो फ्लावर पॉट लगा दिए हैं जिसमें सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, और इससे जो झांकी है आपकी बहुत सुंदर लगने वाली है। तो अब मैंने यहाँ पर एक मेरे पास ये गौ माता हैं जो अपने बच्चे के साथ में है, उनको बिठाया है, और यहाँ पर माखन चोरी करते हुए खाते हुए माखन चोर हमारे वो बैठे हैं, और यहाँ पर ये देखिए बच्चा है जो अपनी माँ का दूध पी रहा है, बछड़ा और गाय है। और ये है जो मटकी जो अथर्व ने अपने स्कूल के क्राफ्ट में बनाई थी, तो मैंने इसका भी यूज़ कर लिया है। तो इसमें देखिए मैंने पीछे टू वे टेप लगा दिया है, और उसको मैंने इस तरह से जो माता की चुनरी मैंने आगे डेकोरेशन के लिए लगाई थी उसी के ऊपर चिपका दी है यहाँ पर। तो इसमें देखिए माखन भी बना हुआ है जो मैंने इसी के ऊपर रुई से माखन बना दिया है मटकी पे। और यहाँ पर अब मैं शुरू कर रही हूँ थोड़ा सा डेकोरेशन करने की तैयारी। तो यहाँ पर ये जो थोड़ी सी ये मेरे पास रखी थी बुरादे वाली रंगोली, तो उसको मैंने इस तरह से बिछा दिया है कि जिससे थोड़ा सा ओरिजिनल लुक आएगा, एकदम से रियल लुक आएगा गांव जैसा। तो वो मैंने इस तरह से चकोर देखिए धीरे धीरे हल्के हाथों से मैंने इसको इस तरह से बिछा दिया है। और आपके पास जो भी चीज़ हो आप उससे डेकोरेशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सब चीज़ें चाहिए। तो ये देखिए मेरे पास एक तरह की ये बास्केट है जिसको मैंने अपने रैपिंग शीट से मैंने ब्लू कलर की उससे रैप कर लिया था, और उसके ऊपर ये जो डंडी है उसको मैंने ये वाइट कलर का एक रिबन ले लिया है, और उससे मैं इस तरह से पूरा रैप कर रही हूँ। और जो ये बीच में देखिए आप ये डलिया टाइप की दिख रही है बास्केट, उसको मैंने रुई से कवर कर दिया है कि जिससे कि वो बास्केट ना दिखे, और काफ़ी अच्छा ओरिजिनल लुक आएगा भी आप जब देखेंगे। तो मेरे पास ये झूला झूलते हुए कृष्ण भगवान की ये एक वो है मूर्ति, तो इसको मैंने इसमें एक रिबन बांध दिया है, और उसको भी मैं इसी जो डलिया मैंने बनाई है झूला टाइप का उनका बनाया है उसमें मैं इनको टांग दूंगी, बांध दूंगी, और फिर उसको आप देखिए कितना सुंदर लुक आएगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ आज ये झांकी बनाने की। तो इस तरह से जब मैंने ये बन के आई तो बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था। तो ये देखिए अब मेरे ये कृष्ण भगवान जी टंग गए हैं, झूला झूल रहे हैं, और इस तरह से सीता ये देखिए इनको झूला झूला रही है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुझे कोई भी झंझट नहीं करना पड़ा। सब मेरे घर में आइटम थे, ये सब सामान था, उसी से ही मैंने डेकोरेशन की है। तो ये जो मटकी वाला है ये देखिए ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, सीनरी सी क्राफ्ट बनवाया था इनके स्कूल में अथर्व के। तो ये मैंने जो अभी बनाया था आपके सामने ये जो रंगोली उसके ऊपर मैंने एक गाय बैठा दी है। अब मैं दूसरी साइड एक और एक रंगोली सी बना रही हूँ, तो इसमें मैंने दूसरे कलर की रंगोली ली है, इसको भी मैं अच्छे से फैला के फ्लैट कर लूँगी। और ये मैंने दूसरा कलर जैसे रानी कलर या रेड टाइप में थोड़ा सा कलर था उस तरह का कलर लिया है। मैंने जैसे कि आपसे कहा आप कोई भी अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कैसे भी सजाइए, भगवान अपने आप आपको प्रेरणा दे देते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। और यहाँ पे मेरे घर में एक छोटी सी ये हट रखी थी, मैंने वो हट रख दी है, और उस पे एक ये बिल्ली बैठा दी है किट्टी टाइप की। तो ये किट्टी है जो इसी घर के बाहर पाल रखी है इन घर वालों ने, और उसके आगे एक हरा ग्रास है जिस पे घोड़ा बैठा हुआ है, खड़ा है। और अब मैं ये बना रही हूँ सड़क, जो घर के बाहर एक सड़क है उसको देखिए, उसके लिए मैंने ये ब्राउन कलर की फिर से रंगोली डाल दी है, और उसके ऊपर मैं अब बैठाऊँगी जो चलती हुई आते जाते सड़क पे गाड़ियाँ होती हैं ना, वो गाड़ियाँ मैं रखने जा रही हूँ। छोटी छोटी मेरे पास गाड़ियाँ थी तो उसको मैं रख दूँगी, तो देखिए कितना ओरिजिनल लुक आएगा एकदम से।
और इस तरीके से मैंने ये सड़क भी बना ली है, घर के आगे रोड पे चलती फिरती रोड हो गई। और अब ये मेरी झांकी देखिए, और अभी आप इसमें संगीत का आनंद लीजिए जो इसीता आपके लिए सुनाने वाली है, कृष्ण भगवान का। और अगर आपको ये मेरी झांकी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो अब आनंद उठाइए कृष्ण भगवान के इस भजन का। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय श्री कृष्णा। Thank you.